नहीं, मैं समझता हूँ कि नून लीग का वहां आना, हम समझते हैं कि पॉलिटिकल लोग हैं उनको आना चाहिए, लेकिन वो टाइमली आना चाहिए जब उनका उनके उनकी गवर्नमेंट का टेन्योर ही खत्म हो रहा है, उस टाइम पर आए हैं और वही पड़कियां लगाई हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। पहले तो कोई ऐसे छोड़ता था कि भाई हम दुबई बना देंगे, ये तो दो कदम आगे चले गए कि हम न्यूयॉर्क बना देंगे। बिजली का वायदा किया कि मैं नाम बदल दूंगा, अगर मैंने ये वायदे पूरे नहीं किए तो बिजली तो वो बना नहीं सके। उन्होंने को बोला कि इनको मैं उल्टा लड़का दूंगा, उनको ये करूंगा, वो तो कुछ कर पाए नहीं। सिंध में जब भी मियां नवाज शरीफ साहब आए, थप्पा में गए, उन्होंने ऐलान किया, वहां पे वो ऐलान पूरे नहीं हुए। हमारे थप्पार करके कैंसदा लोगों के पास मियां नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने बोला 1 अरब रुपए था, आधे पैसे भी नहीं दिए। इस तरह से जेको बाद में गए, ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, और जब झूठ पे कोई हाथ डालता है तो फिर बोलते हैं हमें क्यों निकाला। तो ये तो दो कदम जो नवाज शरीफ साहब से भी आगे निकले हैं, ये पहले भी इनकी आदत रही है। मैं तो कहूंगा कि वो फड़कियां जिसको बोलते हैं ना, वो फड़कियां मार रहे हैं कि फड़कियां, दैट्स व्हाट यू मीन। अच्छा, लेकिन सेनेटर साहब एक चीज बताइए, आपने कहा जो वादे करते हैं ये पूरे नहीं करते, लेकिन ग्रीन लाइन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हमने सिंध हुकूमत को दे दिया है, अगर वो कहें तो हम उन्हें बसेस भी लाके दे दें। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब की ये मेहरबानी कि वो अभी जो शायद काका नवाज वो 2-3 बार आ चुके हैं, मियां साहब का पूरे टेन्योर का देखें तो उन्होंने क्या ध्यान दिया था सिंध पे। मैं नहीं ये कह रहा हूं कि वो उनको हम प्राइम मिनिस्टर के लिए कह रहे हैं, नवाज लीग के सदर के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर के लिए पंजाब के अलावा KPK, सिंध, बलोचिस्तान सब एक जैसे हैं। हमारी गवर्नमेंट की तो आसिफ अली जरदारी ने NFC अवार्ड दिया, बलोचिस्तान को 3% से 7% का फायदा हुआ, बाकी छोटे सूबों को भी फायदा, हुकूमत बलोचिस्तान दिया, वो कोई उनपे एहसान नहीं है। सिंध के सब प्रोविंसेस है, उनको सब प्रोविंसेस को ऐसे देख रहे थे। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हम लेजिस्लेटर्स आते हैं, जब पॉलिटिशियंस पार्लियामेंट में जाते हैं तो कानून साजी करनी चाहिए। जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को आइन दे दिया, आसिफ अली जरदारी की हुकूमत के 5 साल अगर पूरे हुए तो उन्होंने 8वीं तरमीम दी, जो किसी भी सूरत में एक आइन देने से